निवान जी जुड़े हुए हमारे साथ में। आप सभी को बता दूं महेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। महेश जी बहुत स्वागत है आपका। निवान जी, लगातार सरकार कह रही है कि भाई हम तो जवाब देने को तैयार हैं। अगर शालीनता से धर्मेंद्र प्रधान को ये सुनना चाहेंगे तब तो सुन पाएंगे, लेकिन सुनना ही नहीं चाहते। और बटन बंद करने की बात कही है यहाँ पर यश जी ने, तो स्पीकर साफ तौर पर कह रहे थे कि मेरे पास कोई बटन तो होता नहीं है कि मैं माइक ऑफ कर दूंगा। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इशू इतना गंभीर है क्योंकि ये यूथ को एड्रेस करता है, ये युवाओं से रिलेटेड है, युवाओं के भविष्य से रिलेटेड है। आप सोचिए कितने परिवार इस समय इस इशू से इन्वॉल्व हैं, कितने कितनी फैमिलीज, कितने पेरेंट्स, कितने लोगों का बलिदान, त्याग, कितनी मेहनत करके बच्चा जो है वो परीक्षा की तैयारी करता है और उसको ये पता लगता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई या पेपर लीक हो गया है। प्रॉब्लम ये है, क्यों ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर राजनीति हम समझते नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्यों ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सरकार ने प्रथम दृष्टिया आकर सर्व जो सबसे टॉप मोस्ट जिनको इस इशू को एड्रेस करना चाहिए था, उन्होंने आकर क्या कहा? उन्होंने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो देख ली जाएगी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सरकार ने इसे खारिज कर दिया और वही चीज जो है वो जो ये पेपर लीक करते हैं या जो गिरोह है उनको उनको और इनकरेज करती है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कहना चाहता हूं, अभी सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, ऐसी सीबीआई की इंक्वायरी ऐसे सिमिलर केसेस में पहले भी चल चुकी है। हरियाणा में ऐसे केस आए थे, गुजरात में ऐसे केस आए थे, बिहार में ऐसे केस आए थे, यूपी में ऐसे केस आए थे और सभी में आप जानकर हैरान होंगे कि पैटर्न एब्सोल्युटली सेम था। ये एक कोई ये रैंडम क्राइम नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसको तीन तरह से किया जाता है, प्री क्राइम, ड्यूरिंग द एग्जाम क्राइम एंड पोस्ट क्राइम। प्री क्राइम में जो है बच्चों को सेफ हाउस में ले जाया जाता है, ये पहले भी सामने आ चुका है। एग्जाम के दौरान चीटिंग कराई जाती है, ये पहले भी सामने आ चुका है। और पोस्ट एग्जाम में जो है वो बच्चों की ग्रेस मार्किंग होती है, ये पहले भी सामने आ चुका है। अब तो हद ये हो गई कि अब इन्होंने जो रिजल्ट्स थे वो 14 जून की जगह 4 जून को कर दिए। क्या आप ये मान सकते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन रिजल्ट्स को प्रीपोन्ड करने का क्या टॉप अथॉरिटीज के बिना हो गया होगा? जिस दिन को देश में रिजल्ट आने थे इलेक्शंस के, उसी दिन नीट एग्जाम का रिजल्ट लाना, क्या जब ये लेकर टॉप अथॉरिटीज के पास गए होंगे उन्होंने पूछा नहीं होगा कि इतना बड़ा डिसीजन आप क्यों लेना चाहते हैं? देश में रिजल्ट आने हैं, उसमें मिक्स क्यों करना है, अलग से करेंगे? तो हमारा ये कहना है ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है, हजारों करोड़ रुपए का क्राइम है जिसके अंदर बच्चों से 50 से 60 लाख रुपए एक पेपर के लिए जाते हैं। आप सोचिए इसका क्या लेवल है। ये हरियाणा में, ये गुजरात में और एसआईटी की जांच में ये सामने आया था कि ये इंटर स्टेट गिरोह है जो पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड रूप में काम करता है। गुजरात के बच्चों को हरियाणा में लाया जाता है, हरियाणा के बच्चों को यूपी ले जाया जाता है और इंटर स्टेट गैंग की तरह काम किया जाता है। इसको केवल और केवल ये कह देने से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप अच्छे से चर्चा करिए। इसमें कुछ सख्त कार्रवाई सामने आनी चाहिए। ये बच्चों के भविष्य की बात है और कुछ नजर नहीं आ रहा। सरकार आपके हिसाब से सख्त कार्रवाई क्या है निवान जी? सख्त कार्रवाई आपके हिसाब से क्या? सख्त कार्रवाई ये है कि जो टॉप मोस्ट लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ऊपर से एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। जिन्होंने ये कहा था कि ये तो क्राइम, ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, एक दो सेंटर में आया, सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों उन पर कार्रवाई नहीं होती? क्यों एक दो लोगों को पकड़ के सामने स्टिंग ऑपरेशंस आ गए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम पकड़ भी लेंगे तो हम तो बेल पर टूट के फिर आके फिर करेंगे। और ये आज की बात नहीं, हम तो आपको विद प्रूफ कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 साल पहले इस मुद्दे को उठाया था जब हरियाणा में ये सेम तरह से स्कैम हुआ था, पेपर लीक हुए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीबीआई जांच हुई, एसआईटी की रिपोर्ट आई, पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर पेपर लीक होते हैं, हर स्टेट में पेपर लीक होते हैं। जब तक इस नेक्सस को पूरी तरह से ब्लॉकेड करके खत्म नहीं किया जाएगा और टॉप मोस्ट लोग जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगा हमारे देश में।